माइक्रो टीचिंग जो होती है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा होना, तो माइक्रो टीचिंग आपकी जो फाइनल टीचिंग होती है उसका एक प्रैक्टिस होती है, पहले से एक प्रैक्टिस होती है, एक प्रैक्टिकल टाइप का होता है जिसे आप माइक्रो टीचिंग के थ्रू करते हैं। माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग के 6 कौशल होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उन 6 पॉइंट्स को ले करके 6-6 मिनट की आपकी एक क्लास होती है माइक्रो टीचिंग की। तो आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं बात करूंगी सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है उसके बारे में बात करूंगी। ये आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर में होता है अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है लेकिन वो किस सेमेस्टर में होता है वो अलग अलग सेमेस्टर में होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग जिसे बोलते हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग जो थी ये सन 1961 में कीथ एचसीएन सेंट फोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में शोध कार्य के लिए गए हुए थे। वहाँ उन्होंने अपने साथी आर एन बुश तथा डी डब्ल्यू एलन के साथ शोध किया, जिसके लिए उन्हें फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान प्राप्त हुआ और अंततः डी डब्ल्यू एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। फिर उसके बाद सन 1947 में अगर देखें तो सन 1947 में एन एल दोसाज ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ में सूक्ष्म शिक्षण को एक शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग किया था। उन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक लिखी। एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी ने अलग अलग राज्यों में इस अवधारणा का प्रचार प्रसार किया। अभी सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। सूक्ष्म शब्द जो है वो अंग्रेजी का माइक्रो यानी कि छोटा रूप से बना हुआ है। माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है लघु, मतलब कि छोटा, छोटे स्तर का कार्य माइक्रो कहलाता है, जो कि अंग्रेजी के माइक्रो शब्द हिंदी में सूक्ष्म कहा जाता है। और वहीं उसके अलग देखा जाए तो मैक्रो, एम ए सी आर ओ मैक्रो, एम आई सी आर ओ माइक्रो, माइक्रो होता है सूक्ष्म यानी छोटा और मैक्रो होता है बड़ा, बृहद स्तर पर जो कार्य होता है यानी बड़े लेवल पर जो काम किया जाता है उसे मैक्रो बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले काम को जब हम छोटे स्तर पर करते हैं या आयोजित करते हैं तो उसे सूक्ष्म कार्य कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण भी वृहद शिक्षण का एक सूक्ष्मीकरण है, यानी कि जो मैक्रो टीचिंग होती है उसी का एक छोटा रूप होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। ए डब्ल्यू डी एल एन के अनुसार उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, यानी कि एक जो ब्रॉड लेवल होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ए डब्ल्यू डी एल एन जो कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं उनके अनुसार है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। वहीं अरविंद ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षा एक अनुकरणीय शिक्षा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप कैसा होता है, नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग। नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग जो होती है, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी सूक्ष्म पद्य शिक्षण परिस्थिति है जिसमें छात्र अध्यापक एक छोटा सा शिक्षण बिंदु लेकर यानी किसी भी एक छोटे से पॉइंट को लेकर 5 से 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप को यानी विद्यार्थियों या छात्रों के समूह को, चाहे वो उनका अपना फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो या कोई स्कूल का क्लास क्यों ना हो, एक छोटे से ग्रुप को लेकर के कम समय में
छोटे से छोटे 6 मिनट के कालांश में शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार को दृष्टिगत करके अभ्यास करता है। यानी कि शिक्षण कौशल जो होता है उसमें सुधार कहाँ कहाँ होना है और अभ्यास करता है, अभ्यास के बाद उसका सुधार जो जो होता है वो यहाँ पर सीखता है या करता है। इस प्रक्रिया के दौरान उसको अपनी कमियाँ भी पता चल जाती हैं। फिर सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, कक्षा का आकार, समयावधि एवं विषय वस्तु कम होती है, ठीक है। यानी कि इसमें कक्षा छोटी होती है, 40-50 आकार में छोटा होता है, समय भी कम होता है इस शिक्षण विधि के दौरान। और यह शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करती है। छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि जो आप जो बच्चा या जो पर्सन छात्र अध्यापक माइक्रो टीचिंग कर रहा होता है उसे उसी समय उसकी कमियां पता चल जाती हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा दूर किया जाता है। यानी कि आप जब पढ़ाओगे तो उस दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक पहले से करने वाली प्रक्रिया होती है कि आप फाइनल टीचिंग से पहले आप सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया करते हैं उसमें आपको जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, वो आपको इनमें पता चल जाएगी और आप उसका हल भी उसी समय निकाल सकते हैं। यह प्रशिक्षण विश्लेषण की प्रभावी विधि है। सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है। फिर आ जाते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण को करने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो छात्र अध्यापक होता है उसे शिक्षण कौशल में परफेक्ट बनाया जाए, यानी निपुण बनाया जाए, निपुणता वो प्राप्त कर सके। फिर छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने में ये सहायक होता है। इसका उद्देश्य होता है कि छात्र अध्यापक जो होता है उसका आत्मविश्वास बढ़े। छात्र अध्यापक के द्वारा की जा रही गलतियों को दूर करने के लिए इस कौशल विशेष का बार बार अभ्यास कराया जाता है। यानी कि कुल मिला के शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो होती है आपकी मैक्रो टीचिंग के लिए प्रिपरेशन होती है। आपकी तैयारियां इधर हो जाएंगी आपकी माइक्रो टीचिंग में, जो आपको आपकी फाइनल टीचिंग यानी मैक्रो टीचिंग में आपको हेल्प करेगी। जो कमियां होनी होती हैं वो इधर ही आपको पता चल जाती हैं और आप उन्हें बेहतर तरीके से सही कर सकते हैं। फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? विभिन्न प्रकार के पाठ्यावधि तथा विषय की जटिलताओं को समझने एवं उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने में सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता होती है। फिर सूक्ष्म शिक्षण लचीला होता है, यानी कि इसका जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है वो सॉफ्ट होती है, आसानी से करी जा सकती है, जो सभी परिस्थितियों में व्यवस्थित हो सकती है और शिक्षक को प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हर स्थिति का प्रशिक्षण इसमें दिया जा सकता है। जब छात्र शिक्षकों को अपने विषय में अच्छी रेटिंग की आवश्यकता होती है तो वो सामान्य प्रशिक्षण से अलग होकर सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उनमें संज्ञानता सुधार किया जाता है। इससे उनका आत्मविश्वास जागृत होता है, यानी कि उनमें जो कमियां होती हैं और उन्हें अच्छी रेटिंग पानी होती है, अच्छा सीखना होता है, तो वो मेहनत करते हैं उस चीज़ को लेकर के और उनके अंदर का आत्मविश्वास जागता है। सूक्ष्म शिक्षण निर्देशित कक्षा उद्देश्यों की पहचान करने तथा उन्हें व्यवहारिक रूप में शुरू करने में सहयोग करती है। तो ये इस तरीके से। फिर सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है? यह शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे आसान कौशलों में विश्लेषित किया जा सकता है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो जटिल प्रक्रिया होता है जिसे सरल कौशलों के माध्यम से समझा। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सरल शिक्षण परिवेश में एक एक घटक यानी कि एक एक शिक्षण कौशल को लेकर उन पर कुशलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जब आप तो ये आज हो गया शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है। सूक्ष्म शिक्षण के बाद अगली वीडियो में मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है सूक्ष्म शिक्षण को लेकर के तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके लाभ, प्रक्रियाएँ, स्टेप्स, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है और सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल परिभाषा से लेकर के उसके 6 स्टेप्स जो होते हैं शिक्षण कौशल के, वो हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर तक आपको सारी चीज़ें मेरे इस चैनल पर अवेलेबल होंगी। सो स्टूडेंट पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।